हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल एपीएच क्लास में स्वागत है, जिसमें हम आपको फीटर टर्नर मशीनिस्ट का फुल कोर्स यूट्यूब चैनल पर चल रहा है, ठीक है, जिसमें हमने बेंच वाइज और चीजर को डिटेल से पढ़ाया है। आप लोग पिछले वीडियो में देख सकते हैं। ये मेरा रिवीजन क्लास है, जिसको मैं रिवीजन क्लास में मैं महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आता हूँ जो पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है। बेंच वाइस का ये पार्ट्स है, ये मटेरियल मतलब धातु है, ठीक है। अब बेंच वाइस में जो फिक्स जा होती है वो ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है, याद रखिएगा। यदि ग्रे कास्ट आयरन ना दिया रहे तो वहां पर कास्ट आयरन रहेगा, तो कास्ट आयरन को ऑप्शन में सही करना है। मुगल जार जो होता है वो भी ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है, यदि ग्रे कास्ट आयरन ना दिया हो तो कास्ट आयरन जरूर दिया रहेगा, उसको ऑप्शन में सही कीजिए। बेंच वाइस का जो जा प्लेट होती है, याद रखिएगा, वो टूल स्टील की बनी होती है। ऑप्शन में टूल स्टील नहीं दिया रहेगा तो हाई कार्बन स्टील जरूर दिया रहेगा, ये बता दे रहे आपको, बार बार प्रश्न में पूछे जाते हैं। स्पिंडल जो होती है माइल्ड स्टील की बनी होती है, और जो स्पिंडल होती है उस पर जो थ्रेड होती है स्क्वायर होती है, आगे चल के हम बताएंगे आपको। हैंडल जो होता है वो माइल्ड स्टील का बना होता है, जो बच्चे वर्कशॉप में गए होंगे उन्हें जरूर पता होगा, ठीक है। बॉक्स नट जो होता है कास्ट आयरन फास्फोरस ब्रॉन्ज और गन मेटल का बना होता है, इन तीनों में से जो होगा पेपर में एक ही ऑप्शन में रखा जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार बेंच वाइस का साइज 75 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर रखा जाता है, ये बात याद रखिएगा, 75 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर होता है, ये पेपर में पूछा जा चुका है। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार छोटे कार्यों के लिए बेंच वाइस का साइज 75 मिलीमीटर होता है। देखिए यहीं पर कितना बढ़िया यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन पकड़िए आप लोग, अब छोटे कार्यों के लिए बोला तो 75 मिलीमीटर ले लेंगे, आगे देखते हैं, ठीक है। अब भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार मीडियम कार्यों के लिए बेंच वाइस का साइज, मीडियम मतलब मध्य भी दे देगा वहां पर, तो आपको 100 से 125 मिलीमीटर ऑप्शन में मिलेगा, आपको उसको सही करके चलना है, ठीक है। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार बड़े कार्यों के लिए बेंच वाइस का साइज, याद रखिए बेंच वाइस का साइज 150 मिलीमीटर होता है। आप देखिए यहाँ पर छोटे साइज के लिए पूछे तो 75 मिलीमीटर और बड़े साइज के लिए पूछे तो 150 मिलीमीटर, याद रखेंगे तो संभवतः का ये अधिकतर यही पूछता है छोटे और बड़े कार्यों के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, बेंच वाइस पर कौन से ऑपरेशन होते हैं, तो बेंच वाइस पर आप लोग यदि वर्क किए होंगे तो सब लोग जानते होंगे फाइलिंग, चिपिंग, एक्साइनिंग इत्यादि बहुत सारे वर्क होते हैं, मैंने इसलिए बता दिया, ये पेपर मैंने दिया है तो इसमें फाइलिंग दे देता है, चिपिंग देता है, हेक्साइन, उसमें से तीन गलत रहते हैं एक सही रहता है, उसी को सही लेके चलना। इंजीनियर वाइस का साइज जाके चौड़ाई से लिया जाता है, देखिए जो बच्चा पहली बार पेपर देगा वहां कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर साधारण भी दे दे, साधारण वाइस भी दे दे, तब भी आप जाके चौड़ाई से ही लेंगे, ये बात याद रखियेगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं, जिस वाइस का गाइड नट हाफ व आधा होता है उसे किक रिलीज वाइस कहते हैं, याद रखिएगा पेपर में यह पूछा जा, इसका डिटेल वीडियो हम बना दिए हैं मगर ये पेपर में पूछता है, ठीक है। वाइस के स्पिंडल में कौन सी थ्रेड होती है, तो स्क्वायर थ्रेड होती है, एकदम सिंपल क्वेश्चन रखेगा ये तो रखेगा, कभी कभी पेपर सरल बनाया जाता है तो ये पूछ देता है, ठीक है। बेंच वाइस की ऊंचाई कारीगर की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिये यहाँ पर मैंने तीन प्रश्न रखे हैं, एक इसका जवाब रहेगा, ठीक है, एक प्रश्न रहेगा, तीन आंसर रहेंगे इसके, अब तीन में से आपको दो देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए अब वहां पर रख देगा, पूछेगा बेंच वाइस की ऊंचाई कारीगर की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए, 106 सेंटीमीटर दे दे, 42 इंच दे दे, या कार्य करने वाले श्रमिक की कोहनी के बराबर होनी चाहिए, ठीक। ये 42 इंच का सिंपल दिया हुआ, देखिये मैंने दो ये निशान लगाए हुए, ये इंच को दर्शाता है मगर मैंने इंच भी लिख दिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पिन वाइस का प्रयोग जो होता है घड़ी साथ साथ में किया जाता है, दूसरे ऑप्शन में भी रख सकता है, पिनों को पकड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। हैंड वाइस का साइज रिवीट के मध्य से जा तक की लंबाई से लिया जाता है, याद रखिएगा पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है।
पाइप आइस का प्रयोग जो होता है बेलनाकार जाल को बांधने के लिए किया जाता है। ठीक है, पाइप वाइस के दोनों जा कितने डिग्री पर होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, ये पूछे जा चुके हैं। ठीक है, 90 अंश के कोण पर होते हैं। ठीक है, लेग वाइस का प्रयोग किया जाता है, लेग वाइस का जो प्रयोग होता है फोर्जिंग शाफ्ट में होता है, अधिकतर प्रश्न ये पूछे जा चुके हैं, इसीलिए इसको रिविजन क्लास में रखा गया है। टूल मेकर जो होता है, टूल मेकर क्लैंप का प्रयोग किया जाता है तो फिनिश किए गए जाकों को पकड़ने के लिए, ये भी पूछा, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, चीजल का मटेरियल किस धातु का बना होता है, तो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है, चीजल के हेड को चैम्फर किया जाता है तो 10 से 12 इंच पर चैम्फर किया जाता है। ठीक है, चीजल के कटिंग एज को लंबाई में हार्ड किया जाता है, ये प्रश्न बहुत पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा, 30 मिलीमीटर से 35 मिलीमीटर तक हार्ड एवं टेम्पर लंबाई में किया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये प्रश्न में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला, मैं बता दे रहा हूँ आपको, काटे जाने वाला पदार्थ पॉइंट एंगल देख लीजिए, झुकाव कोण देख लीजिए। ठीक है, हाई कार्बन स्टील का जो पॉइंट एंगल होता है वो 65 होता है, झुकाव कोण जो होता है ये पेपर में पूछ चुका है। ठीक है, याद रखिएगा, झुकाव कोण जो होता है 39.5 अंश होता है। ठीक, कास्ट आयरन का पॉइंट एंगल जो होता है 60 होता है और झुकाव कोण जो होता है 37, भी पेपर में पूछा जा चुका है। माइल्ड स्टील जो होता है उसका जो होता है पॉइंट एंगल, ये भी पूछा जा चुका है, ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मगर मैं निशान लगा दे रहा हूँ, ये तो जरूर रखा जा चुका है पेपर में। इसका झुकाव कोण जो होता है ये 34, बहुत ही माइल्ड स्टील वाला और कास्ट आयरन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। ठीक है, अब पीतल का जो पॉइंट एंगल होता है वो 45 रखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा 45 अंश होता है और झुकाव कोण जो होता है वो 32 अंश होता है। एल्यूमिनियम का जो पॉइंट एंगल होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर